चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में और जानेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव होती क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव चाहे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं और साथ में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का कैसे व्याख्या किया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण था उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए। देखो, सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, उसके बाद आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या कैसे किया था इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समझे प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक ही चीज होता है। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है कि जब किसी धातु पर किरणें गिरती है, जब किसी धातु पर प्रकाश के किरणें गिरती है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगता है, तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कही जाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कही जाती है। मान लो यह धातु है, इस धातु पर किरणें आकर टकरा रही है, जैसे किरणें टकराएंगी किरण यहां से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। देख सकते हैं ये आपका एक धातु है, यहां पर किरणें गिर रही है, जैसे किरणें गिर रही है इस धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगा है, इलेक्ट्रॉन यहां से उत्पन्न होने लगा है, तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना। जब किसी धातु पर किरणें गिरती है, जब किसी धातु पर किरणें गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगता है, तो यही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कही जाती है। ये दिमाग में पहले आप बैठा लीजिए अपने, ठीक है ना। अब आगे समझो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आपको समझ में आ गई। अब देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव चाहे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम भी पूछता है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है। देखो बाबू, इसका नियम सिंपल सी बात है, जितना मतलब क्या है, जितनी रफ्तार से यहाँ पर किरणें टकराती है उतने रफ्तार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्पन्न होता है, यानी कह सकते हैं कि उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, कि जितना रफ्तार से किरणें टकराएगी उतने ही रफ्तार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्पन्न होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी जितने रफ्तार से किरणें टकराएंगी, जितने ज्यादा किरण टकराएंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। तो इसका पहला नियम क्या लिखेंगे, पहला नियम लिखेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन मतलब जितना रफ्तार से किरण टकराता है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होती है। यह पहला हो जाएगा कि जितना रफ्तार से किरणें यहां पर टकराएंगी उतने रफ्तार से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है, कि जितना किरण टकराएगा उतना इलेक्ट्रॉन यहां पर उत्पन्न होगा। ये पहला नियम। अब इसका दूसरा नियम हम लोग देखते हैं कि जैसे ध्यान दो कि जैसे ही किरण इस पर टकराएगा तो टकराने के बाद यहां पर क्या होता है कि गतिज ऊर्जा यहां पर आ जाती है, तो जो गतिज ऊर्जाएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने का कार्य करती है। यानी देखो, कहने का मतलब यहां का जो गतिज ऊर्जा होता है वो ऊर्जा किसके प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होती है। अब मान लो कि आप खाना खा लिए, भाई आपको ऊर्जा मिला है कि नहीं, तो ऐसे ही जब इस धातु को किरण मिल जाता है तो इसको इसके पास एक ऊर्जा आ जाती है, इसका नाम होता है गतिज ऊर्जा, गति करने की ऊर्जा आ जाती है इलेक्ट्रॉनों के पास, इलेक्ट्रॉनों के पास गति करने की ऊर्जाएं आ जाती है। तो यहां पर इस धातु का जो गतिज ऊर्जा होता है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, किसके प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है, ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम ही है कि गतिज ऊर्जा तीव्रता के समानुपाती होती है, प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होती है, कि जितना प्रकाश टकराएगा उतना ज्यादा इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ते चली जाएगी, जितना कम प्रकाश टकराएगा जितना प्रकाश की तीव्रता कम होगी उतना ज्यादा यहां पर गतिज उतना कम गतिज ऊर्जा यहां पर बनेगा, ठीक है ना। तो जितना प्रकाश की जितना ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी उतना ज्यादा इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। अब तीसरी बात यहां पर हम लोग देखते हैं, तीसरी बात देखते हैं कि इस धातु से तब ही इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा जब इसके न्यूनतम आवृत्ति का जब यहां पर किरणें टकराएंगी, ठीक है ना। न्यूनतम आवृत्ति का जब यहाँ पर किरणें टकराएंगी, मान लो कि एकदम लो लेवल के यहाँ पर किरणें टकरा गया, कोनो किरण आकर टकराएगा, टॉर्च मार दीजिए, क्या यहाँ से किरण निकलेगा, नहीं। तो कहने का मतलब एक ऐसा न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सके उससे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब न्यूनतम आवृत्ति, कम से कम ऐसा आवृत्ति का प्रकाश चाहिए जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सकेगा, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा, अर्थात जो किरण इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं कर सकेगा धातु से वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में नहीं आएगा। यानी इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने के लिए आपको मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश चाहिए, ठीक है ना। तो न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा का और चौथा बात क्या था कि देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की क्रिया चाहे प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया तत्क्षणिक होती है, जैसे ही किरण टकराएगा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा, जैसे ही किरण टकराएगा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया
तत्क्षणिक होती है। क्या होती है? तत्क्षणिक होती है। तो चलिए एक बार और समझते हैं लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। देखो ध्यान से, पहला नियम यह था कि जितना ज्यादा किरण टकराएगा, जितनी ज्यादा रफ्तार से किरणें टकराएंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होती है। पहला ये नियम हम लोग पढ़ लिए थे। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि जैसे ही इस धातु को किरण मिल जाता है तो उसके पास गतिज ऊर्जा आती है, तो गतिज ऊर्जा जो होता है ना प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी यदि शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहे तो मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता i लेकर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, पहला नियम। और दूसरा नियम यह कि गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² लिखते हैं, तो गतिज ऊर्जा भी प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तीसरी यदि बात हम लोग लिखते हैं तो तीसरी हो जाएगा कि कम से कम न्यूनतम आवृत्ति का आपको देहली आवृत्ति चाहिए, इसको हम बोलेंगे देहली आवृत्ति। ध्यान दीजिएगा, देहली आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि ऐसा आवृत्ति वाला प्रकाश जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सके, तब जाकर वो देहली आवृत्ति कहलाएगा। और चौथा जो शर्त हम लोग लेकर चले थे, चौथा शर्त ये है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया तत्क्षणिक होती है। तत्क्षणिक क्या होती है? तत्क्षणिक होने का काम करती है। तत्क्षणिक का मतलब जैसे ही क्या करेगा, वहां किरणें टकराएगी प्रकाश, वहां से जैसे ही यहाँ पर किरणें टकराएगी वहां पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गई होगी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम? नहीं समझ में आए तो इसको समझ लीजिए। देखो जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है प्रकाश की तीव्रता का समानुपाती होता है, जितना रफ्तार से किरण टकराएगा उतना रफ्तार से इलेक्ट्रॉन वहां पर उत्पन्न होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता का समानुपाती होती है। अब इस धातु पर इलेक्ट्रॉन जब किरणें टकराती है तो उस धातु को गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो भाई जितना ज्यादा रफ्तार से किरण टकराएगा उतना ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता का समानुपाती होती है। और तीसरी बात क्या है कि कम से कम एक ऐसा आवृत्ति वाला प्रकाश चाहिए जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सके। समझ में आ रही बुआ? अब टॉर्च लेकर बार दीजिए, क्या धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर पाएगा? नहीं भाई, उसके पास क्षमता नहीं होता। तो कम से कम एक ऐसा आवृत्ति वाला प्रकाश चाहिए जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सके, तो उस आवृत्ति वाले प्रकाश को हम लोग देहली आवृत्ति के नाम से जानते हैं। और चौथा तत्क्षणिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया तत्क्षणिक होती है। तत्क्षणिक का मतलब जैसे ही किरण टकराएगा कि इलेक्ट्रॉन वहां से उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह था प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ठीक है ना? तो समझ में आ गई प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। जैसे ही किरण जब धातु से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कही जाती है। नियम चार को मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कैसे किया था। अब देखो आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किया था, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करी थी और उसका एक समीकरण प्राप्त करी थी। तो आपको लिखना इतना है बस, देखो यहां से कुछ भाषा लिख देना है कि आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में क्वांटम सिद्धांत को आधार बनाते हुए उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी थी, ठीक है ना? अब देखो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कैसे व्याख्या करे थे आइंस्टीन, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखो आइंस्टीन साहब ने ये देखा कि प्रकाश की जो किरणें होती है उसमें क्या होती है, ऊर्जा, प्रकाश जो होता है ना छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में होता है। भाई ये किरणें जब टकराती है तो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जैसे आप भोजन देखेंगे, भोजन करने के बाद आप में वो एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, कुछ भी आप कर सकते हैं उस समय। और सही प्रकाश में उन्होंने देखा आइंस्टीन ने कि यहाँ छोटे छोटे ऊर्जा है, बंडल के रूप में ऊर्जा है, तो उसका नाम उन्होंने प्रोटॉन या क्वांटा दिया था, प्रोटॉन या क्वांटा, ठीक है ना? प्रत्येक प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी उन्होंने बताया था, एच न्यू बोला था। प्रत्येक जो प्रोटॉन होते हैं उसकी ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू होती है, ठीक है ना? अब यहां पर समझो, उन्होंने देखा कि प्रकाश की जो ऊर्जाएं होती है छोटे छोटे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे बंडल के रूप में है, तो उन्होंने उसका नाम दिया प्रोटॉन या क्या दिया, उसका क्वांटा दिया। यानी एक प्रोटॉन या एक क्वांटा की ऊर्जा कितनी हो सकती है, एच न्यू हो सकती है, उन्होंने ये देखा। और उन्होंने देखा कि जब एच न्यू आवृत्ति वाला प्रकाश जब इस पर गिरेगा, जब ये वाला ऊर्जा जो है जब इस धातु पर गिरता है, तो ये ऊर्जा दो तरह से उन्होंने देखा उपयोग में। पहली बात है कि एक ऊर्जा जो होता है ना, एक ऊर्जा धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने में लग जाता है, और जो दूसरा ऊर्जा होता है वो इलेक्ट्रॉन को वेग देने का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या देने का काम करता है, वेग देने का काम करता है। तो उन्होंने देखा कि जब किरण के अंदर जो ऊर्जाएं होती है वो दो तरीके से उपयोग में आ जाती है। पहला होता है कि धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने का कार्य करता है, ठीक है ना? पहला कार्य करता है। और दूसरा का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गति देता है ताकि इलेक्ट्रॉन रफ्तार भागे। यानी ये ऊर्जा दोनों काम करता है, इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न करेगा और इलेक्ट्रॉन को गति देने का काम करता है, ठीक है ना? तो इन्होंने देखा कि प्रकाश की जो ऊर्जाएं होती है, प्रकाश जो होता है ना छोटे पैकेट्स के रूप में, उनकी ऊर्जाएं बढ़ती होती है, उस ऊर्जा का नाम फोटोन या क्वांटा दिया था। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू उन्होंने बताया। और उन्होंने ये देखा कि जब ये एच न्यू वाला प्रकाश इस पर गिरेगा तो ये ऊर्जा दो तरीके से उपयोग में लाई जाती है। पहला तरीका कि जब धातु से ये ऊर्जाएं टकराएंगी तो पहला भाग में होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने का काम करेगा, कार्य करेगा, इसको फाइ से सूचित कर सकते हैं कार्यफलन। और दूसरा का इलेक्ट्रॉन को वेग देने का कार्य करता है, ठीक है ना? हाई जोन ऊर्जा है ये दो काम करेगा। एक तो
इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने का कार्य करता है, तो जिसको कार्य फलन फाइव से हम लोग सूचित करेंगे। और यही ऊर्जा एक और काम करता है, वेग देने का काम, मतलब गतिज ऊर्जा देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है। यानी ये 1/2 mv² का भी काम करता है। यानी हय ऊर्जा दो काम करता है, कौन कौन सा काम, पहला तो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने का कार्य करता है जिसको कार्य फलन हम लोग कहते हैं, और दूसरा का वो कार्य क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गति देता है। गति मतलब गतिज ऊर्जा देने का काम करता है, यानी है तो एक ही ऊर्जा लेकिन वो उत्पन्न करने का भी काम कर रहा है और दूसरा का उसको गति देने का भी काम कर रही है, ठीक है ना। ये आइंस्टीन का ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम, मतलब ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम भी कहता है कि एक ऊर्जा, मतलब ये जो ऊर्जा है इस धातु पर जैसे ही टकराएंगी ये दो तरह का काम करती है, एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने का कार्य करेगी मतलब कार्य फलन हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गति देने का काम करती है। यानी एच न्यू वाला जो ऊर्जा होता है वो क्या करेगा, एक काम भी कर रहा है, कार्य फलन भी कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने का कार्य कर रही है और दूसरा का इलेक्ट्रॉन को गति देने का कार्य कर रही है। यानी हय ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है, एक कार्य फलन और दूसरा का गति। कार्य फलन का मतलब हो गया वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने का कार्य करेगा, और गति ऊर्जा का मतलब हो गया वो इलेक्ट्रॉन को गति दे रहा है। यानी है तो एक ही ऊर्जा लेकिन दो तरीके से काम में लाई जाती है। तो भाई आप लिखिएगा कैसे, अब इसको बस इतना लिखना कि आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेट के रूप में या बंडल के रूप में होते हैं, जिसे प्रोटॉन या क्वांटा कहा जाता है। प्रत्येक प्रोटॉन की ऊर्जा एच नहीं होती है। ये ऊर्जा किसी भी धातु पर दो तरीके से उपयोग में लाई जाती है। पहला तरीका लिखना कि जैसे ही ये ऊर्जा धातु पर पड़ती है तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को पहले उत्पन्न करने का कार्य करती है, फिर वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति देने का कार्य करती है। अर्थात एच नी बराबर आप लिख सकते हैं 5 + 1/2 mv². यानी यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने का कार्य कर रही है मतलब कार्य फलन, और दूसरा का गति देने का कार्य कर रही है मतलब गतिज ऊर्जा, देख सकते हैं। तो यही आपका लिखना है, इसलिए आपको लिखना है, इसलिए ये भाषा बस इतना लिखना है कि ये ऊर्जा दो तरीके से उपयोग में लाई जाती है, एक इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गति देने का कार्य करता है, अर्थात एच नी बराबर 5 + 1/2 mv², ठीक है ना। अब ये मैं कैसे ला दिया आपको ये भी समझ में आ गई होगी, ये ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से भी लाई जाती है। ऊर्जा को आप खत्म नहीं कर सकते, ये प्रोटॉन की ऊर्जा चाहे किसी चीज की भी ऊर्जा है तो इसको खत्म या समाप्त नहीं कर सकते, नया नहीं बना सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग दो तरीके से किया गया, एक इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है और दूसरा उसको वेग देने का कार्य कर रही है। यानी एच न्यू बराबर 5 + 1/2 mv² हो जाएगा। इसको पहला समीकरण मैंने मान लिया। अब मैंने क्या किया कि एच न्यू जो है ना ये क्या कर रहा है, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहा है, तो मैंने एच न्यू को जीरो मान लिया। जीरो मतलब एच जो आपका ये न्यू था, ये आपका जो न्यू है इसको न्यू नॉट मान लिया मैंने, मतलब ऐसा मतलब यहाँ आवृत्ति वाला प्रकाश ले लिया जो धातु से इलेक्ट्रॉनों उत्पन्न नहीं कर रहा है, मतलब समझ रहे, ये न्यू बराबर न्यू नॉट में लेने का रीजन हो गया। देखो इसको एच इसको न्यू कहेंगे, ये वाला न्यू का सिंबल है, ठीक है ना, ये आवृत्ति को दर्शाता है, ये आवृत्ति है। तो ये आवृत्ति जो है ना बाबू समझो, ये आवृत्ति क्या कर रही है, प्रकाश मतलब जो ये जो धातु है उससे इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने का कार्य यही आवृत्ति कर रही है। अब मैंने ऐसा आवृत्ति ले लिया कि जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं कर रहा है, यानी h न्यू बराबर n न्यू नॉट लेने का मतलब हो गया कि धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हो रहा। तो इस चीज को आप यही भी लिख सकते हैं कि धातु से इलेक्ट्रॉन न उत्पन्न होना, ठीक है ना। इसका मतलब है कि धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हो रही है। अब धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं होगी, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो उसकी गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो बाबू, जैसे ही मान लो किसी भी आवृत्ति का प्रकाश टकराएगा तो भाई अब किरण है तो उसको धातु शोषित करेगा तो कार्य कर्म करेगा, तो उसका कार्य फलन शून्य नहीं होगा। देखिएगा एच और ये न्यू को जगह पर न्यू नॉट रख देंगे, फाइव जगह थोड़ा छोड़ देंगे, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा काम नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो भी नहीं करेगा तो गति किसको देगा, किसी को गति नहीं देगा। यानी 1/2 mv² का मान क्या हो जाएगा, जीरो। एंड देख सकते हैं फाई का माना गया है एच न्यू नॉट, क्या गया, एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है, तो ऐसा मतलब आवृत्ति का प्रकाश है जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर देख लिया एच और न्यू के जगह पर न्यू रख दिया, न्यू नॉट रख दिया गया, फाई जो कहते हो छोड़ा गया, क्योंकि किरण टकराएगी तो कार्य होगा ही, भले किसी भी आवृत्ति का वो किरण टकराए, ठीक है, लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी जीरो हो जाएगी। यानी फाई बराबर एच न्यू नॉट आ गया मान। अब यहां से मैंने समीकरण 1 फिर उठा लिया, समीकरण 1 से एच, समीकरण 1 है एच न्यू बराबर 5 + 1/2 mv² अब देखो एच न्यू जो
पढ़ते हो छोड़ दिया, हाई फाई है, फाई का मान निकाल लिया गया, फाई का मान क्या एच न्यू नॉट है, तो फाई के फाई की जगह पर एच न्यू नॉट छोड़ दिया गया, अब बराबर 1/2 mv², मतलब ये प्लस 1/2 mv², ठीक है ना। अब देखो क्या किया गया कि ये एच न्यू नॉट है, इसको इधर ला दिया गया, माइनस एच न्यू नॉट हो गया बराबर 1/2 mv². अब यहाँ से दोनों में एच कॉमन मिला था, एच कॉमन ले लिया गया, तो न्यू घटाओ न्यू नॉट हो गया अब बराबर 1/2 mv². अब इसको मैंने इधर लिख दिया तो हो गया 1/2 mv² बराबर एच इंटू न्यू घटाओ न्यू नॉट हो गया। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण है, यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण लिख दिया, अतः यही आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण है। उन्होंने कुछ नहीं किया था बाबू, बस तो उन्होंने किया कि एक ऊर्जा का दो रूपों में उपयोग कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने यहां पर क्या किया, ऐसा आवृत्ति का प्रकाश ले लिया जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर भी नहीं करेगा, इसका मतलब 1/2 mv² क्या हो जाएगा, जीरो, यानी फाई का ऐसा मान निकलेगा, यही फाई का मान यहां पर पुट कर देंगे, अब मान निकालेंगे, ये जो आपका मान आएगा वही मान आपका कहलाएगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको समझ में आ गई होगी प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टीन ने कैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी थी, ये भी बात आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।